अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह मुस्लिम माशरा बेहिस नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि जिस जेनोसाइड यानी कि नस्ल कशी का ऐलान संघीय और हिंदुत्ववादियों की जानिब से धर्म संसद के नाम पर किया जा रहा है, इसे अंजाम देना मुश्किल नहीं रहेगा। बार बार मुस्लिम माशरे की खामियां गिनाना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हालात ऐसे तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं कि कहना भी जरूरी है। आज इस मौजू पर बोलना जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि आज बेलगाम में VHP और बजरंगदल की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज किया गया। इन्होंने इसे जिहादी मुसलमान कहा जो जुमा के रोज पथराव करते हैं और मस्जिदों में इन्हें क्या सिखाया जाता है कि बातें कही गई। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि आखिर इस मुल्क में मजलूम तबका कौन सा है, कौन सी विचारधारा के लोग इख्तदार में है और कैसे तमाम सरकारी महकमाओं को एक मखसूस समाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है नूपुर शर्मा की मुखालफत में तमाम मजहब समाज के लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली मलऊन नूपुर शर्मा की हिमायत में भी भारत में जुलूस निकाले गए। हमारे दीनी और सियासी रहनुमाओं से हमारा एक ही सवाल है कि आखिर जिस खामोशी और चुप्पी को अख्तियार कर सब्र का लिबादा उड़ाया जा रहा है, आखिर दायरे तो मुकर्रर कह रहे कि आखिर खामोश कहां तक रहा जाए। यह मतलब हरगिज नहीं कि सड़कों पर उतर कर पथराव वगैरह करे, लेकिन इस पथराव की भी ईमानदारी से तहकीक होनी चाहिए। पत्थर मस्जिदों से नहीं बल्कि साजिश के तहत मुसलमानों के दरमियान या किसी और जगह से फेंके जाते, फिर लाठीचार्ज और तशद्दुद का माहौल बन जाता है। पुलिस की जानिब से बेरहमी से घुटने तोड़ने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई का कोई मुतालबा नहीं करता, लेकिन पथराव करने वाले नौजवानों पर कार्रवाई की मांग। क्या अब तो अदालतों को नजरअंदाज कर बुलडोजर ही घुमाए जा रहे हैं? मतलब अब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन एहतजाज को लेकर सैकड़ों नौजवान जेलों में बंद किए जा चुके हैं। अब मुल्क के सतह पर मस्जिदों से पथराव और जुमा की नमाज को जोड़कर देखा जा रहा है। बजाय जुल्म सितम ढाने वाली फिरका पर तंजीमों इदारों पर कार्रवाई तो दूर की बात, तस्करा तक नहीं किया जाता, लेकिन एक समाज के विरोध में बड़े ही मुनज्जम अंदाज में नैरेटिव चलाया जाता है। अब जब मुसलमानों के जुल्म सितम की वजह से हिंदुओं पर हमले करने की बात सिवाय इस दौर के मजाक के कुछ और नहीं हो सकता, और आज के इस इजलास में संविधान की दुआई भी दी जा रही थी, ये बड़ी ताज्जुब की बात रही। संविधान की दुआई देते हुए ये भी कहा कि संविधान के दायरे में रहते हुए तमाम हिंदुत्ववादी तंजीमें अपने काम को अंजाम देते रहते, लेकिन मुसलमान जो है वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को बदल कर हिंदू राष्ट्र कौन करना चाहता है, और अलग संविधान की मांग खुलेआम कौन कर रहा है दुनिया में? अगर भारत की फजीहत हो रही है तो मुसलमानों को निशाना बनाने को लेकर हो रही है, लेकिन इस बात की भी दाद देनी पड़ेगी कि कैसे एक मकसद को लेकर इनकी जद्दोजहद चलती रहती है। इन पर किसी तरह मुकदमे नहीं होते, इन पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन महज नूपुर शर्मा के पुतले को भी मुल्की सतह पर शाया कर बड़े जुर्म के जमरे में पेश किया जाता है। अब इस कौम की बेहाली पर भी थोड़ा मातम करेंगे, ना तो किसी तरह की रहनुमाई और ना ही कोई लीडर, बस यहाँ वहां धक्के खाते ये कौम बिखरी हुई नजर आ रही है, और इसी में कौम अपना गुजर बसर कर रही है। अक्सर तबके को आने वाली मुसीबतों का कोई एहसास नहीं है, और अपने आप को लीडर या रहनुमा दीनी सियासी कहने वालों के पास किसी तरह का कोई मंसूबा नहीं। पिछले कई एक अरसे से देखा जा रहा है कि पूरे मुल्क में किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, मॉब लिंचिंग से लेकर, मॉब लिंचिंग तो कई सालों से चलते आ रहा है, लेकिन अब हाल ही में हिजाब हलाल मुस्लिम ताजिरों पर हमले, मस्जिदों पर भगवा लगाना और नबी की शान में गुस्ताखी का मामला, इस पर चुप्पी भी बहुत कुछ बयान करती है। क्या संविधानिक तरीके से लोग मिलकर इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलकर हालात से वाकिफ नहीं कर सकते? जब RSS VHP बजरंग दल सब कुछ करने के बावजूद अपने आप पर ही जुल्म की बात करते हैं तो तुम खुद एक मजलूम हो, तुम क्यों अपनी बात नहीं रखते? लिहाजा इतना जरूर है कि यह बेहिसी माशरे को ले डूबने वाली है। आखिर बड़ी बड़ी तंजीमें इदारे खामोश रहकर क्या हासिल करने वाली है और क्या हासिल करना चाहती है? ऐसा भी नहीं कि हजारों की भीड़ लेकर सड़कों पर आओ, क्योंकि पिछले कुछ वारदातों से कितना बड़ा नुकसान मुस्लिम माशरे को उठाना पड़ रहा है। कानूनी दायरे में रहते हुए जो करना है कर गुजरे। अब तो हालात और भी संगीन बनते नजर आ रहे हैं। हर शहर की मुस्लिम जमात को चाहिए कि हम ख्याल लोग जिनके हालात हाजरा पर नजर है, जल्द इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए हालात पर तबादले ख्याल करें। जुमा की नमाज के बाद पथराव को अब मसला बनाया जा रहा है। मुस्लिम जमात के जिम्मेदारों को, सियासी और दीनी रहनुमाओं को चाहिए कि इंतजामिया पर दबाव तो बनाने की कोशिश करे। हमारा रवैया ये है कि हम आवाज उठाना ही नहीं चाहते। एहतजाज या फिर इंतजामिया के आला अफसरान से शहर में बढ़ती फिरका परस्तों की सरगर्मियों पर बार बार तबसरा करे। हो सकता है उन पर भी सियासी दबाव हो, लेकिन तुम्हारा भी बोलना कुछ हद तक जरूर मायने रखता है। पर अक्सर देखा यह जा रहा है कि मुस्लिम समाज इंतजामिया से दूरियां बनाए रखता है। जो करीब होते हैं वो सिवाय इंतजामिया की चापलूसी और गुलामगिरी के कुछ नहीं करते। इतना तो जरूर है कि दीनी और सियासी रहनुमाओं को बोलना होगा, इकदाम करना होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि यह खामोशी कहां तक, लज्जते फरियाद पैदा कर, जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
ಬಜರಂಗದಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಬಜರಂಗದಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಗೋವನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಗೋವು ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದರ ಹತ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಬೇಡವಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಿಜಾಬನ್ನ ಧರಿಸಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಯಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹರ್ಷದ್ ಕೊಲೆ ಸುತ್ತಾಯಿತು, ಅದು ಸಹಿತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಚರ್ಚೆ ಒಪ್ಪುವಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾನೂನನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶರಿಯತ್ ಕಾನೂನನ್ನೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶರಿಯತ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶರಿಯತ್ ಕಾನೂನನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಹೋದರರನ್ನ ಮುಕ್ತ ಯುವಕರನ್ನ ನೀವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಾಳೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ರಂಜಾನ್ ಈದ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲು ತೋರಾಟ ಆಗಿತ್ತಾ? ನೀವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಂತ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಜಯಂತಿ, ಹಿಂದೂಗಳ ನರಮೇಧ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಅಂತ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನ, ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ನಾವೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಸಂವಿಧಾನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥದ್ದು. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತ ಸನಾತನಿ ಧರ್ಮಿಗಳು. ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರೋಧ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿರೋಧ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾನೂನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ? ನುಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ, ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವುದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು?